हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टेबल मैट। आप ऐसे टेबल मैट भी बना सकते हैं, डोर मैट भी आप ऐसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने साड़ी और दुपट्टे का यूज़ किया है। ये देखिए, इसके बॉर्डर को हम निकाल देंगे और यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच के स्ट्रिप लेंगे और इसे हम कट करेंगे। आपने पूरी स्ट्रिप को ये देखिए इस तरीके से कट करना। ये देखिए एक स्ट्रिप ये, और इसको यहाँ से भी 2.5 इंच लेना है। ये देखिए, आपने इसको सिंगल सिंगल नहीं करना, एक साथ ही आपने इसको काटना। ये देखिए, इसमें आपको जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी साड़ी को हमने इस तरीके से और दुपट्टे को कर रेडी कर लिया है। अब इसकी हम एक बॉल बना लेंगे। दोनों को बॉल बनाकर इसको हम रेडी करेंगे। ये देखिए, इसे हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम फ्रेम का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फ्रेम नहीं है तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आप कील लगाकर उसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसका गैप हमने लिया है 1 इंच से थोड़ा सा कम, 0.25 इंच लिया है, या आप 0.5 इंच का भी इसमें ले सकते हैं। अब देखिए, एक साइड हमने यहाँ पर कील लगाई है 24, ऐसे ही चारों साइड हमने 24 कील लगानी है और उसे सेट करना है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 2 मल्टीपल में आप इसमें कील लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक नॉट लगाई है और नॉट लगाने के बाद इसे यहाँ पर हमने टाइट कर देना है। अब ये देखिए, यहाँ से लेंगे, फिर इसे इस तरीके से घुमाएंगे। ये देखिए, सभी कील में से आपने इसको लेना है। ये देखिए, फिर इसको यहाँ से घुमाएंगे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से हमने काउंट करना है। यहाँ पर 6 कील लिया है हमने, और यहाँ पर भी हमारी 6 कील होनी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने लिया और यहाँ पर इसको हमने एक नॉट लगाकर उसे हमने सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पर दूसरा कलर लेंगे, यहाँ पर इसे टाइट करेंगे सभी कील में से लेते हुए। ये देखिए, इस तरीके से इसे हम करेंगे और यहाँ से हम लेंगे 1, 2, 3 और 4 कील हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसमें। ये देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए, अब आपने इस वाले कलर को ग्रीन वाला जैसे मैं आगे बढ़ा रही हूँ, ऐसे ही जो भी आप कलर लगाना चाहेंगे उसको आगे करेंगे। और ये देखिए, सभी कील में से लेते हुए इसे भी हम पूरा करेंगे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर भी हमने 4 कील में इसमें यूज़ किया है। ये देखिए, 1, 2, 3 और 4, ऐसे ही 4 कील हमने यहाँ पर यूज़ करी है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि ये खुले ना। अब फिर हम नेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे। अब ऐसे ही रिपीट करते हुए इसे हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, आपने इस तरीके से करते हुए आपने घुमाना है इसको। ये देखिए, सभी कील में से लेते हुए और इसे हम पूरा कर लेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ये देखिए, अगर आपको यहाँ पर जॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपने इस तरीके से छोटा कट लगाना है दोनों स्ट्रिप में, और एक स्ट्रिप को आप इस तरीके से खींच देंगे। ये देखिए, हमें यहाँ पर सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये स्ट्रिप में नॉट लग चुकी है और इसे बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आप क्लिप ले सकते हैं, पेन लेंगे, कोई भी पिन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जहाँ से डबल स्ट्रिप है वहाँ से हमने इसे निकालना है और पिन का यूज़ करेंगे। इसको खींच कर आप निकाल दीजिए और इसे पिन में सेट करेंगे। अब यहाँ पर हम एक क्लिप लगा देते हैं।
अब ये देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने डबल किया तो डबल स्ट्रिप लेते हुए यहाँ पर एक स्ट्रिप को हम ऊपर करेंगे, एक स्ट्रिप को हम नीचे करेंगे। ये देखिए एक स्ट्रिप हमने ऊपर की, एक स्ट्रिप नीचे, एक को लेना है और एक को छोड़ना है, एक को लेना है एक को छोड़ना है, इसी तरीके से आपने इसको करना है। ये देखिए इसको आपने ध्यान से करना है, अगर एक गलत होगा तो आपका सभी गलत हो जाएगा, इसलिए आपने इसको ध्यान से करना है। पिन को हम निकाल देंगे। अब जिस कील में से हमने इसे निकाला सेम उसी में इसको सेट करेंगे, क्लिप को लगाएंगे। अब हम यहाँ पर दूसरी स्ट्रिप को निकाल लेंगे, पिन लगाएंगे। अब देखिए जो हमने स्ट्रिप को नीचे रखा उस वाली स्ट्रिप को हम ऊपर करेंगे और जो हमारी स्ट्रिप ऊपर है उसे हम नीचे की तरफ करेंगे। ये देखिए करना सेम आपने ऐसे ही है, एक स्ट्रिप नीचे और एक स्ट्रिप ऊपर करते हुए। इसे आप सेट करते जाइए साथ साथ। पिन को हम निकाल देंगे और उसी कील में इसे हम ये देखिए फिर से सेट करेंगे। ये देखिए इसे हमने सेट कर लिया है, फिर पिन लगाएंगे, क्लिप को हम आगे करते जाएंगे। अब जो स्ट्रिप हमारी ऊपर थी उसे आपने नीचे करना है और जो नीचे स्ट्रिप थी आपने उसे ऊपर की तरफ करना है, एक ऊपर और एक नीचे स्ट्रिप जाएगी इसमें। ये देखिए इसी तरीके से बनाकर इसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड से आपको ये एक जैसा दिखाई देगा फ्रेंड, ये देखिए। अब फ्रेम में से इसे हम निकालेंगे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से डबल साइड है। अब आपने एक ये देखिए इस तरीके से और ये आपने इसके अंदर से स्ट्रिप को निकालना है, फिर इसे निकालेंगे। स्ट्रिप को निकालते समय अगर प्रॉब्लम हो तो आपने क्लिप का यूज़ करना है। ये देखिए एक स्ट्रिप के अंदर से आपने दूसरी स्ट्रिप को इस तरीके से निकालना है। ये देखिए आप क्लिप लगाई हमने, स्ट्रिप को निकालेंगे। ये देखिए लेफ़्ट वाली स्ट्रिप को आपने राइट वाली स्ट्रिप के अंदर इस तरीके से करना है, ये सेट हो जाएगी। ये देखिए फिर हम ऐसे स्ट्रिप को निकालेंगे, लेफ़्ट वाली स्ट्रिप को आपने राइट वाली स्ट्रिप के अंदर करना है। ये देखिए ऐसे और इसके अंदर से निकालना है। ये देखिए ऐसे करते जाएंगे, ये फ्रेम के अंदर से निकल जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए क्लिप लगाने से आप इसे आसानी से निकाल सकेंगे। ये मैंने एक छोटे साइज़ का टेबल मैट बनाया है जिसका साइज़ है 10x10 का स्क्वायर पीस है ये। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप फ्रेम को बड़ा लेंगे, या फिर यही साइज़ अगर आपके पास है तो आपने क्या करना है, आपने डबल बनाना है और उससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप उसमें एक्स्ट्रा बनाएंगे और उन सभी को आपने जोड़ देना है। जॉइंट करने के बाद ये आपका बड़ा बन जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए जो हमारी सिंगल स्ट्रिप थी आपने उसे नॉट लगा देना है। ये देखिए, ये देखिए आपने यहाँ पर डबल नॉट लगा देना है। डबल नॉट लगाने के बाद आपने इसको फिर से ऐसे ही रिपीट करना है जैसे हमने स्टार्टिंग से रिपीट किया था। इसे ऐसे ही आप पिन लगाते जाएंगे, एक एक को निकालते जाएंगे। इन सभी को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसे हम कट कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर नॉट लगा चुके हैं। ये देखिए ये यहाँ पर फ्रेंड्स बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। ये देखिए दोनों साइड से आपको एक जैसा ही ये दिखाई देगा,
और फ्रेंड्स कमेंट कर ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।